जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रांजैक्शन थी जो हमने पेयोनियर से बैंक अल्फला के अकाउंट में ट्रांसफर की थी, तो ये तकरीबन 184.15 डॉलर थे। ये आपके सामने आ रहा है, बल्कि 9 अप्रैल 2019 की ट्रांजैक्शन थी। तो इसके अंदर जो अमाउंट थी वो उन्होंने एक डॉलर का रेट हमें 138.79 दिया था। पिछली वीडियो में हमने इसका सारा तारुफ करवाया था कि पेयोनियर से बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। अब लिखा हुआ ये आया था कि ये 3 दिन से 5 दिन लगेंगे इसको ट्रांसफर होने में, लेकिन मजे की बात ये है कि ये 9 अप्रैल को ही मेरे अकाउंट के अंदर आ गए थे। तो मैंने कहा था कि आपको वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि जो है इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये देखें, ये मेरे अकाउंट स्टेटमेंट है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इसमें यह देखें 25,559.54, ये देखें यहां पे इन्होंने इतने बताए थे 25,559.54 PKR एग्जैक्ट अमाउंट जो है हमें वहां पे रिसीव हुई है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये तो चले, मैंने चेकबुक इशू करवाई थी तो इसके लिए उसके चार्जेस कटे हैं और उसके ऊपर FED लगी है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा वहां पे, ये देखें जी 184.15 डॉलर। अगर आप वैसे पेयोनियर के कार्ड से निकलवाएं तो पेयोनियर के कार्ड में आपको चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और जो दूसरा, अगर आप अकाउंट में अपने विदड्रॉ करवाते हैं तो हाँ जी, तारीख दिखानी थी आपको, ये देखें 9 अप्रैल, ये 9 अप्रैल को ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई 25,559 रुपये, ठीक है जी, उसी दिन ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई। तो अब और दूसरी बात यह है कि किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, ना बैंक जाना पड़ा, खुद ब खुद सारा कुछ ये जो है ना पूरा प्रोसीजर खुद ब खुद कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को भी मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप अब अपनी अमाउंट्स जो हैं वो पेयोनियर के थ्रू मंगवाएं, और बैंक अल्फला का अकाउंट बेस्ट है। बैंक अल्फला के अलावा जो है वो दूसरे अकाउंट, दूसरे बैंक ऑफ फाइबर के अकाउंट में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो आप कोई भी अमाउंट जो है आपकी आपकी फाइवर की अमाउंट है तो आप इसमें मंगवा सकते हैं। अभी मेरी फाइवर की इसमें इंस्टॉलमेंट छोटी सी आई थी, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ करके देखी थी, क्योंकि मैं पहले फाइवर में इस तरह से नहीं मंगवाता होता था अमाउंट अपनी। फाइवर की अमाउंट मैं पेपॉल के थ्रू या किसी और प्रोसीजर से मंगवाता था। फर्स्ट टाइम मैंने चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं और पूरे के पूरे डॉलर, कोई कटिंग नहीं उसके अंदर, कोई चार्जेस नहीं, एज इट इज यहाँ पे आए हैं और एज इट इज ही विड्रॉ हुए हैं, ठीक है जी। 184.15 मेरा बैलेंस था जो कि उन्होंने एज इट इज यहाँ पे मुझे विड्रॉ करके दिया है, ठीक है। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि पेयोनियर का अकाउंट बनाएं, पेयोनियर का अकाउंट बेस्ट है। इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी इसका क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज़ होगा, और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी इसका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।